हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड यू नो व्हाट, एक पैराडॉक्स के अनुसार अगर आप लाइट स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट देन एज यू कैन सी, अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो टेक्निकली आप भी एग्जिस्ट नहीं करोगे टू ट्रैवल एट लाइट स्पीड, राइट? एंड देयर यू गो, इस पैराडॉक्स को सॉल्व करके बताओ। और ये मैं नहीं, आइंस्टाइन का ये इक्वेशन कहता है, अकॉर्डिंग टू विच लाइट स्पीड से मूव करने पर आपका मास इन्फिनिट हो जाएगा एंड देयरफॉर आपको मूव करने के लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, तो अब मुद्दा ये रह जाता है कि क्या हम लाइट स्पीड से ट्रैवल भी कर सकते हैं। वेल, डीसी कॉमिक के फ्लैश के केस में ऐसा दिखाया गया है कि वो लाइट स्पीड क्या उससे भी तेज भाग सकता है, वो भी बिना कोई पैराडॉक्स क्रिएट किए। इस कॉमिक के अनुसार टू ट्रैवल फास्टर देन लाइट, वो ब्रह्मांड के एक हाइपोथेटिकल स्पीड फोर्स डिमेंशन की नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करता है। बट जरा एक सेकंड, जैसे हमने अपने इस वीडियो में बताया था, नेगेटिव एनर्जी तो स्पेस टाइम फैब्रिक को वॉर्प करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी टेक्निकली फ्लैश लाइट स्पीड से तेज नहीं दौड़ रहा है, वो सिंपली बस वॉर्प ड्राइव वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। बिकॉज शायद उसे पता है कि लाइट स्पीड से तेज क्या उसके 20% स्पीड से भी अगर कोई ट्रैवल करे तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू। देखना चाहोगे कैसी? Well, MIT ने ना इसके विजुअलाइजेशन के लिए एक बहुत ही अनोखा गेम बनाया। इस गेम में बेसिकली आपको कुछ इस तरह के ऑब्स कलेक्ट करने होंगे और जैसे जैसे आप उन्हें कलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड 1% से लाइट स्पीड की ओर बढ़ती जाएगी। अब इसे खेलते वक्त यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 ऑब्स कलेक्ट करके हम लाइट स्पीड से मूव करने लगेंगे और तब जाकर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। बट गेस व्हाट, हम जैसे ही 20 से 30 ऑब्स कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे आसपास की चीजें अपना रंग और साइज बदलने लगती है। रंग इसीलिए क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के अनुसार हमारे हाई स्पीड से ट्रैवल करते ही हम तक पहुंचने वाली लाइट की वेवलेंथ चेंज होने लगती है, और साइज इसीलिए क्योंकि लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार हाई स्पीड से ट्रैवल करने पर वो ऑब्जेक्ट सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज मैंने एक रेड टी शर्ट पहन लिया और 20% लाइट स्पीड से भागने लगा, तो आप सभी को मेरी टी शर्ट ऑरेंज और मेरी बॉडी सिकुड़ते हुए दिखाई देगी, जबकि इन रियलिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल स्टिल बी द सेम। सो आखिर कौन सही है, कौन गलत, किसका पर्सपेक्टिव सही है? Well, interestingly, Einstein के अनुसार हम दोनों ही सही है। बस सिर्फ ये बात लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन इस फिनोमेनन के रचयिता हेंड्रिक लॉरेंस नहीं मानेंगे। So, बात कुछ ऐसी है ना, 19th सेंचुरी तक फिजिसिस्ट का ये मानना था कि जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम की जरूरत होती है जिसे वो वक्त एथर कहा गया था। पर ये तो हुई एक बात, इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि जैसे किसी नदी के डायरेक्शन में बोट तेजी से चलती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धीमे चलती है, उसी तरह एथर के केस में भी उसके फ्लो के डायरेक्शन में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लो हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट का नतीजा क्या था, उस वक्त लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये एक धारणा बन गई थी, और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम जैसे कि हेंड्रिक लॉरेंस इसी पर अपनी थियरीज की नींव लगने लगे, और ये सिलसिला चलता गया अंटिल ऑफ कोर्स माइकलसन और मॉर्ले ने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। दरअसल उन दिनों ये दोनों असल में अपने एक्सपेरिमेंट से एथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने निकले थे, बट देन उन्हें रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिले कि वो इंस्टेड एथर इस कॉन्सेप्ट को खारिज करने पर मजबूर हो गए। अब ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, उस वक्त हेंड्रिक लॉरेंस की लाइट से जुड़ी थियरीज इसी एथर पर बेस्ड थी, यानी कि एथर के खारिज होते ही अब उनकी थियरी भी बेसलेस साबित हो सकती थी। फिर क्या था, लॉरेंस ने तुरंत अपनी थियरीज को बचाने के लिए इस खारिज हुए एथर को एक रियल फिनोमेनन से जोड़ दिया और अपनी थियरीज को ठीक करने के लिए कुछ समय निकाल लिया। अब वो बात अलग है, समय का ज्यादा फायदा लॉरेंस के जगह पर आइंस्टाइन को हुआ और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो बात बिल्कुल सिंपल है, उन दिनों जहां पर पूरी फिजिक्स की कम्युनिटी एथर के कॉन्सेप्ट से अपनी थियरीज का पीछा छुड़ा रही थी, वहीं पर आइंस्टाइन ने लॉरेंस की गड़बड़ी झट से नोटिस कर ली और साथ ही माइकलसन और मॉर्ली की असफलता भी। नतीजा, इन तीनों की गलतियों को सुधारने के चक्कर में आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट थियरी हमारे सामने रखी जिसे आज हम द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थियरी का कहना यह था कि फर्स्टली कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं जा सकती, सेकेंडली फिजिक्स के लॉज हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही अप्लाई होते हैं, एंड लास्टली इन पहले दो रीजंस की वजह से लाइट स्पीड एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। अब
आइंस्टाइन ने ये बोल तो दिया, लेकिन क्या यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है? वेल, लॉरेंस ने कॉन्ट्रैक्शन की वजह जिस ईथर को बताया था, अब उसके लिए भी आइंस्टाइन को कुछ ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देना होगा, अदरवाइज आइंस्टाइन की थियरी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जॉर्ज गेमॉर जैसे कुछ फिजिसिस्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मौका मिलते ही जॉर्ज गेमॉर ने दिया द लैडर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स इंटरेस्टिंग है। इस पैराडॉक्स में अज्यूम करो कि एक गैराज है जिसके तुरंत खुलने और बंद होने वाले दो दरवाजे हैं, और इसके अलावा एक लैडर है जो इस गैराज से भी लंबी है। अब ऐसे में ऑब्वियसली लैडर तो गैराज में फिट नहीं हो सकता, बट गेस व्हाट, अगर यही लैडर ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लैडर गैराज में फिट होते दिखाई देगा, और इसके विपरीत लैडर पर बैठे किसी ऑब्जर्वर को गैराज कॉन्ट्रैक्टेड नजर आने की वजह से लैडर फिट नहीं होगा ऐसा लगने लगेगा। सो अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वो फिट होगा या नहीं? वीडियो को पॉज करो और अभी नीचे कॉमेंट्स में अपना जवाब लिखो, हाँ या ना। ओके, तो अब सुनो आइंस्टाइन ने इसका जवाब क्या दिया। दरअसल आइंस्टाइन के हिसाब से इसका आंसर है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। डरना मत, आसान भाषा में समझाता हूँ। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो इवेंट्स एक साथ होते हैं, जैसे कि गैराज के दरवाजों का एक साथ बंद होना, वो असल में लैडर पर बैठे ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियसली नहीं होते। इनफैक्ट आप खुद देख सकते हो, जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों दरवाजे बंद हो गए और लैडर गैराज के अंदर फिट भी हो गया। हालांकि यही चीज लैडर पर बैठे ऑब्जर्वर के लिए नहीं हुआ। उसके केस में वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से गैराज में घुस गया था और इसीलिए उस तक राइट साइड वाले दरवाजे के फोटॉन्स पहले पहुंचे और वो उसे पहले बंद होता हुआ दिखा एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाला दरवाजा। यानी इन शॉर्ट आइंस्टाइन के अनुसार इस पैराडॉक्स का आंसर दोनों ऑब्जर्वर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंडेंट था। बट अब थोड़ा सा रुको यहां पर। What if दो के बजाय तीन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अगर हो तो? Well, ये मेरा नहीं, उस वक्त के जाने माने फिजिसिस्ट J.S. बेल का सवाल था, जिसने करीब 16 सालों तक आइंस्टाइन के नाक में दम कर दिया। उनके सवाल के अनुसार दो रस्सी से बंधे हुए रॉकेट्स हैं और दोनों ही साथ में ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉकेट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे रस्सी पर टेंशन पड़ेगा और वो टूट जाएगी। लेकिन रॉकेट पर बैठे ऑब्जर्वर्स के पर्सपेक्टिव से रॉकेट नहीं बल्कि आसपास की चीजें कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसीलिए रस्सी नहीं टूटेगी। तो अब बताओ रस्सी टूटेगी या नहीं वास्तविकता में? अगेन वीडियो पॉज करो और आंसर नीचे कमेंट करो। डन। सो नाउ इस पैराडॉक्स का आंसर है कि रस्सी कंफर्म टूटेगी, बस तीनों के लिए उसके रीजंस अलग 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 होंगे। देखो हमेशा की तरह स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही असली वजह होगी, लेकिन रॉकेट्स में बैठे ऑब्जर्वर्स के लिए अगेन रीजन होगा रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। क्योंकि मान लो ये रॉकेट्स इनिशियली एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर चल रहे थे जो कि 10% ऑफ द लाइट स्पीड है, और अगले ही सेकंड दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्पीड एक साथ 60% तक इंक्रीज करेंगे। अब ऐसे में जैसे ही लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रस्सी टूटेगी, क्योंकि हाई स्पीड पर इन दोनों के बीच ट्रैवल करने में लाइट को कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लगेंगे, इससे आगे वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि पीछे वाले ने अपनी स्पीड बहुत लेट बढ़ाई और इसीलिए रस्सी टूटी, और पीछे वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि आगे वाले ने बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा ली और इसीलिए रस्सी टूटी। मेकिंग सेंस और कंफ्यूज्ड? वेल, लाइट स्पीड से तेज जाने पर इससे भी बड़ा कंफ्यूजन और पैराडॉक्स क्रिएट होता है, और पहले जो ऑब्जर्वेशन की मैंने बात बताई वो 100% ट्रू और एक्यूरेट है। सो अब बात करते हैं कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने में क्या रायता फैलता है। इसे एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये है मिनकोवस्की ग्राफ, जो हमारे यूनिवर्स के 4D स्पेस टाइम को 2D में रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये लाइन मान लो अर्थ की टाइमलाइन है, और ये वाली लाइन है हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम की टाइमलाइन। अब ऐसे में सपोज कहीं दूर एक सुपरनोवा होता है और उससे निकलती रेज लाइट स्पीड से हम तक पहुंचती है, तो अब अगर हम ACS को ये मैसेज फास्टर देन लाइट टेक्नोलॉजी से भेजते हैं, देन उसे मैसेज पहले मिलेगा और उसके बाद उसे सुपरनोवा दिखेगा। यानी अगर कॉजालिटी टेस्ट करने के लिए हम अपने स्पेस डिमेंशन के पैरेलली एक लाइन यू स्लाइड करें, तो इवेंट्स सारे प्रॉपर ऑर्डर में ही घटेंगे। पहले सुपरनोवा होगा, फिर वो अर्थ को दिखेगा, फिर ACS को मैसेज मिलेगा, एंड लास्टली ACS सुपरनोवा को दिखेगा। एक्सेप्ट There's a problem. जैसे इस ग्राफ में हम एक साधारण slower than light spaceship और उसमें बैठे observers add करते हैं, causality break हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि according to Einstein's relativity, जब किसी object के लिए उसका time dimension change होता है, तो उसका space dimension भी warp होता है। यानी अब
इन STL के ऑब्जर्वर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम एक पैरेलल लाइन स्लाइड करें तो चीजें कुछ इस तरह से घटेगी। सबसे पहले ACS को मैसेज मिलेगा, फिर सुपरनोवा होगा, उसके बाद अर्थ को सुपरनोवा दिखेगा एंड इस सब के बाद ACS सुपरनोवा को दिखेगा। मतलब कॉस के पहले ही इफेक्ट और यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल। अब आई नो आप बोलोगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का ही फॉल्ट है, पर जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे ही हम FTL को ग्राफ से हटाते हैं तो इवेंट्स का ऑर्डर सडनली ठीक हो जाता है। सबसे पहले सुपरनोवा होता है, उसके बाद सुपरनोवा अर्थ को दिखता है और सबके बाद ACS सुपरनोवा दिखता है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम फास्टर देन लाइट ट्रेवल में है, रिलेटिविटी में नहीं। यानी दिस प्रूव्स कि स्पेस को वॉर्प करना ज्यादा प्रैक्टिकल है एज कंपेयर टू स्पेस में लाइट स्पीड से तेज जाने की कोशिश करना। इन फैक्ट शायद यही वजह है कि गूगल ने रिसेंटली अपने क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वर्म होल क्रिएट किया ताकि हम तेजी से ट्रैवल कर पाए। अब उन्होंने ये एग्जैक्टली कैसे किया ये ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।